नमस्कार बिहार समाचार में मैं दीपक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिन भर की छोटी बड़ी सभी खबरों को लेकर आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर है। पर इन सभी खबरों को जानने से पहले इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद में बिहार के तमाम तेजस्वी के चाहने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अब इससे बिहार में क्या नया परिवर्तन आने जा रहा है। तो वीडियो को पहुंचाते हैं ट्रेंडिंग में, दबा करके शेयर कीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश से लेकर के देश के 4 राज्यों से 5 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कुछ लोगों को डर है कि सत्ता चली ना जाए हाथों से। देश में युवाओं के लिए एक और बड़ा योजना बिहार की सरकार ने शुरू किया है, जिसमें सरकार लोगों को रुपए देगी और रुपए देकर के रोजगार कराने का भावना दिखाई देगी। इसके साथ नीतीश कुमार ने कहा कि छोटा हो या बड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबके लिए मुख्यमंत्री हूं और मैं सबके लिए 2-2 लाख रुपए दूंगा। तो बिहार के लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज सामने निकल करके आ रही है। बड़ी खबर तो मल्लिका अर्जुन खड़गे की तरफ से भी सामने आई है, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम पुरजोर प्रयास और ताकतों के बदौलत बड़ी सफलता हासिल होती हुई मल्लिका अर्जुन खड़गे ने दिखाई दिए। इसके साथ बात करेंगे, बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आती है तो परिवर्तन होगा, इन लोगों के लुभाने वाले वादे के पास अब मत चले जाइएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव इंपॉर्टेंट होगा, इसमें लोगों को लोकतंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र को खत्म करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खबर तो यह भी है कि रामलला के मंदिर को लेकर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नई जानकारी सामने आ रही है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की भरपूर तैयारी की जा रही है और इसकी तैयारियां बीजेपी पहले से शुरू कर चुकी है। अब नए आपदा शिक्षकों के नियोजन के बाद में सभी स्कूलों में जहां क्लासों के मुताबिक शिक्षकों की वैकेंसी लगभग तय कर ली गई है, बीपीएससी पास शिक्षकों को मौका मिला था। साथ ही साथ बात करेंगे किस तरीके से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के तमाम कैंडिडेटों के हाथों को मजबूत करते अखिलेश यादव ने अपनी सबसे बड़ी ओपिनियन जारी की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बेदखल होते दिखाई दे रहे हैं, सत्ता उनकी जाती हुई दिखाई दे रही है और इसके बदौलत कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जिस खबर के मुताबिक उनकी सत्ता जा रही है। इसके साथ मुकेश सहनी ने कहा, जातीय जनगणना के आधार पर खेल किया गया है और जातीय जनगणना भरपूर तरीकों से बिहार सरकार के लिए एक खेल बन करके रह गई थी। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कि अशोक गहलोत ने राजस्थान के युवाओं के लिए कहा कि सत्ता में सरकार आने का इंतजार कीजिए, कुछ और भी बड़ा आपके लिए है और बेहतर है, उम्मीद आपसे कर सकते हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए लुभाने वाले वादे सरकार के शुरू हो गए हैं, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार एक और बड़े लुभाने वाले वादे पर लोगों को समर्थन में लाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ देश में आज महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल और डीजल में आज फिर से 1 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी महंगाई पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बड़ी खबर तो अबकदारी की मायावती को लेकर के है, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं, कुछ लोगों को भ्रम है दूर कर लीजिए। बिहार के तमाम पुलिस अधीक्षकों ने अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करके अपराध नियंत्रण करने के लिए जगह जगह पर बाइक जांच कराई और इसके साथ तमाम अन्य चीजों की जांच हुई। साथ ही साथ छठ पूजा को देखते हुए इस वक्त बिहार को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में आने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए भी कई बड़ी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके साथ एलपी शैडो का सिस्टम एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां एलपी को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पुलिस तलाश जारी की थी, तो एलपी के लिए राहत की खबर आई है कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं तो एलपी को गिरफ्तार नहीं। साथ ही साथ पटना जंक्शन को उड़ाने की धमकी दिए जाने वाले खत के मामले में अब पटना पुलिस जुट गई है और इसके साथ इस मामले को बहुत जल्द उद्भेद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली के मौके पर आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा Amazon, Flipkart और अन्य आपदादे की कंपनियां दे रही हैं, तो लाभ इसका उठाने से वंचित ना रहें। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कि ज्योतिनाथ सिंधिया की सत्ता किस तरीके से मध्य प्रदेश में खतरे में पड़ती नजर आ रही है और ज्योतिनाथ सिंधिया इस पर क्या कुछ बोलते नजर आए, आइए इस पर विस्तार से नजर डालेंगे। इसके साथ चिराग पासवान के राजनीतिक करियर की नई शुरुआत के साथ बीजेपी ने चिराग के कंधों पर लोकसभा के तमाम सीटों की
जिम्मेदारी दे दी है। तो इन सभी फटाफट खबरों को विस्तार से देखेंगे। उससे पहले दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब इन खबरों को तह तक जाकर के जमीनी स्तर की तमाम बड़ी खबरों को बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आज की बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर लालू प्रसाद यादव को लेकर के है। लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेताओं ने लालू प्रसाद यादव पर चोट करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव जी को अच्छे से पता है सही और गलत क्या है। पहले तो गुनाह और उसके बाद में गुनाह के बाद में अपने गुनाह को कबूल करने की जगह वह अस्वीकार कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भले ही कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से लगातार जाल में फंसते चले गए हों, लेकिन यह हकीकत है कि लालू प्रसाद यादव बिहार का वो इमोशन है जो 2014 में भी बड़ा कमाल कर दिया था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के रोक पाना ये किसी के बस की बात नहीं, और कहीं बस चले या ना चले, पर बिहार पर लालू प्रसाद यादव के बोलने का असर लोगों पर साफ तौर पर दिखाई देता है, और यही असर का पैमाना उनके कैंडिडेटों के लिए सोने का बलिदान हो जाता है जिसके बाद में वो जीत कर आ जाते हैं। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा के चुनाव से पहले तमाम अपने चाहने वाले लोगों को खुशखबरी दी है। सबसे पहले अपदारी की लालू प्रसाद यादव ने जिस भूरे बाल को साफ करने का बात कहा था, आज उसी भूरे बाल को तेजस्वी यादव अपने सपोर्ट और समर्थन में ला रहे हैं। आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जितने भी भूमिहार लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उनके अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी है, और उन्हें अधिकार भले ही ना मिला हो लेकिन अब उन्हें अधिकार दिलवाने का मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें अधिकार दिलवाऊंगा, जो भी अधिकार उनके लिए हो सकेगा मैं दूंगा। भूमिहार लोग जितने भी हैं वो हमारे साथ है। तेजस्वी यादव के दिए गए इस स्टेटमेंट के बाद में कई लोगों ने बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप वाले मामले में भी तेजस्वी को ट्रोल किया, तो कई लोगों ने इस मामले पर कहा कि मनीष कश्यप का वोट तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी क्या अपील है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके विचारों का। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि एक बार फिर से चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक सपोर्ट और समर्थन के साथ चिराग पासवान को हाथों में मजबूती ला रही है, जिसके वजह से चिराग आज अपने तमाम कैंडिडेटों के साथ बिहार के उस परचम को लहराने के लिए निकल चुके हैं जिसको बीजेपी कभी छोड़कर आधी अधूरी गई हो। बीजेपी की अधूरी कामों को पूरा करने के लिए चिराग पासवान तत्परता के साथ बड़े मजबूती के साथ ताकतों को लगा रहे हैं, और इसी ताकत के बदौलत वह बेहतर और मजबूत कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन इस पर अपनी राय और अपील भी जरूर दर्ज कीजिएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या विचार है, और आप इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो जरूर बताइएगा। लोकसभा का ये चुनाव आने वाले वक्त में काफी कुछ निर्णय देगा। जहां बिहार से चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं को कुछ ताकत मिलेगी, वहीं तेजस्वी यादव और जैसे अन्य बड़े नेताओं को झटका भी दिया जा सकता है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर तो यह है कि बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने चार राज्यों में जो प्लान सेट किए, जिसमें किसानों की बात, मजदूरों की बात, असहायों की बात की गई, वह रंग लाती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि उनके चाहने वाले लोगों के लिए 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र होगा, और जीत का पैमाना बहुत तेजी से मजबूत कर पाएंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर नरेंद्र मोदी को लेकर के। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति देश के तमाम 4 राज्यों में असफल दिखाई दी, जिसके बाद में लोकप्रियता में आ रही गिरावट की तस्वीरों को देख करके बीजेपी भी खुद में परेशान चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि लोकसभा के चुनाव के ये सेमीफाइनल का मुकाबला उसे जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस पैमाने को और तेजी से सख्त और मजबूत कर दिया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर ईवीएम और तमाम चीज़ों में खेल ना खींच जाए, अगर लोगों को सच्चे और अच्छे तरीके से वोट देने का मौका मिले, तो लोग आज जिस तरीके से हम सभी लोगों की इंतज़ार कर रहे हैं, या वोट का इंतज़ार कर रहे हैं, कैंडिडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जीत करके परचम लहराएंगे और इतिहास भी बनाएंगे।
बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि एक वर्ष से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी अधूरी चीज़ों को बिहार में नहीं पूरा कर पाई है उसे पूरा किया जाएगा, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ने जो बड़े कार्यों को किया है वह नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ, और नीतीश कुमार जानते थे कि कहीं ना कहीं वह धोखा कर ही सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर के नीतीश कुमार ने कई बार अपने निर्णय लिए और वह पलटी मारते रहे, पर हम अपने इंसाफ पर जी हाँ हमेशा खड़े नजर आए। आपकी क्या अपील जरूर।